जैसे ही कोई स्टूडेंट जेपीएससी की तैयारी करने का मन बनाता है, उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल कोचिंग का आता है। जेपीएससी की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स बहुत है, इससे ये धारणा आम हो गई है कि बिना कोचिंग के जेपीएससी क्रैक कर पाना मुश्किल है। ये सच है कि जेपीएससी जैसी परीक्षा में मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप चाहे तो बिना कोचिंग के भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपके पास जेपीएससी को लेकर सही गाइडेंस या जानकारी नहीं है तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके पास पूरी जानकारी और संसाधन है तो सेल्फ स्टडी के बदौलत भी इस परीक्षा को पास किया जा सकता है। आज के जमाने में इंटरनेट एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है और इसका इस्तेमाल तैयारी के दौरान बेखूबी से किया जा सकता है। एग्जाम के बेसिक को जानें, अपनी तैयारी को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जानना जरूरी है, जैसे कि जेपीएससी क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या है और क्या सिलेबस होता है। बेसिक क्लियर होने के बाद आप सही से रणनीति बना सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी में फर्क होता है। प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए लेकिन गहराई से नहीं, लेकिन मेंस के लिए आपको किसी भी टॉपिक की बहुत गहराई तक जानकारी होनी चाहिए। तैयारी के लिए सही किताबों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आपको उन किताबों का अध्ययन करना चाहिए जो टॉप क्लास हो। आपको इन किताबों को दो बार पढ़ना चाहिए। पहली बार में तो एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ जाएं। अगर आप प्रीलिम्स या मेंस से पहले इन किताबों को एक बार फिर अध्ययन कर ले तो काफी अच्छा होगा। जेपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर्स और जर्नल अवेयरनेस काफी मायने रखता है। पेपर वन में करंट अफेयर्स और जर्नल अवेयरनेस से कम 30 से 40 सवाल आते हैं। इन चीजों को कवर करने के लिए आपको रोजाना अच्छे समाचार पत्र और मैगजीन का अध्ययन करना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पर्याप्त संख्या में मॉक पेपर हल करें। खुद से तैयारी कर परीक्षा क्रैक करने के लिए ये जरूरी है। आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता है और आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं। साथ ही ये आपको खुद को प्रेरित रखने में भी मदद करता है। परीक्षा से एक सप्ताह पहले सामान्य अध्ययन और सीसेट पाठ्यक्रम दोनों को दो बार समीक्षा की जानी चाहिए। बिना रिवीजन के आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं। अपने लिए एक समय सारणी बनाएं और ध्यान रखें कि समय सारणी यथार्थवादी होनी चाहिए। ऐसा समय सारणी ना बनाएं जिसमें आपकी जेपीएससी की तैयारी को समर्पित करने के लिए आपके दिन के 8 से 10 घंटे से अधिक की आवश्यकता हो। एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप हर दिन कितना समय देंगे और ये सुनिश्चित करते हुए कि आप हर दिन इसका प्लान करते हैं तो आप किन विषयों को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए मिशन जेपीएस। नमस्कार।